इस वक्त की बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है जिसके बाद ये विवादित हो गया है। बयान उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर दिया है। विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म सिर्फ धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, तो एक बयान जिसे लेकर अब तगड़ा हंगामा होगा। सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ही विवादित बयान है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। दानवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ही दानवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो दानव धर्म है उसी दानव धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों को अपने धर्म के मकरजाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आप बच्चों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया क्षेत्रीय वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नारी संविधान प्रमुख राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अपार्टी के रूप वोट पीने के लिए मजबूर रखती है। जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के क्रम में जाकर पूजा करता है क्योंकि उसी जात का है। और द्रौपदी मुर्मू जी को सिर्फ रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ में बर्ताव होता क्या? हिंदू नहीं मानते हम, भले पागल होकर के हिंदू के नाम पर मरे लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर्चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही गलती लगी थी जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथाकथित पंडित ने अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास दिया अभिवादन करके वापस आना पड़ा क्योंकि वो दलित समाज के थे। इसलिए आदिवासी गरीब और पिछड़े समाज के लोग धोखे मत रहना। तुम उनके लिए खून बहाओ, तुम अपने लिए होता शब्द डालो, तुम अपने समस्या निशावर कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं और अपमानित करने के लिए आपको अपना आपको अपमानित करना अपन धर्म मानते हैं। इसलिए आप धोखे मत रहना। यही उत्तर प्रदेश है। जब अपने इशारों में मुख्यमंत्री पर से हटे तो मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग पांच कालिदास मार्ग को यही 87 लोग सत्ता में बैठे हुए लोग डबल इंजन सरकार चला रहे लोग उसको पहले गोमूत्र से धुले, उसने भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले क्या? अगर ब्राह्मणी व्यवस्था का
किसी की हिम्मत पक्की, क्या उसे गौमूत्र विसर्जन से उठेगा? इसे रुका गया। अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए हैं, आदिवासी गरीब या पिछड़े, ये कौन है जिसको पहले शुद्ध कहकर के जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया करते थे? इसलिए धोखे मत रहना। जिसको आप हिंदू धर्म कहकर के दीवाने और पागल होकर के अपना सब कुछ लुटा देते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा देते हो, खून बहा देते हो, शिर्क करा देते हो, ये तुम्हारी नादानी है। सावधान रहना। जिसको आप धर्म मानते हो वो एक का धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए धंधा है, इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है, इसी से सावधान रहना। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था। बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं को लेकर एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश यादव वही जो आने वाले वक्त में विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस विवादित बयान पर चर्चा करने के लिए सर मौजूद है। सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, अखिलेश यादव की स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर मौन सहमति कहिए या सहमति करिए, कहिए, क्या ये अखिलेश यादव का भी यही विचार है? देखिए, इस पे अगर कहा जाए तो उन्हें छुट्टू छोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव जिस ब्राह्मणवाद शब्द का उपयोग कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूतों को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर वो इसका खंडन नहीं करते या वो ये नहीं बोलते कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, तो ये माना जाएगा कि अखिलेश की मौन सहमति है। वास्तव में इनके राजनीति का जो पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, वही है कि एक बात को बोलना और उसका एक की तरफ खंडन और दूसरे की तरफ मंडन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है हिंदू धर्म के संदर्भ में, पहली बात तो न वो हिंदू धर्म का हिंदू का मतलब समझते हैं, न सनातन का मतलब समझते हैं। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू धर्म या सनातन पर इतनी चोट कर रहे हैं, शायद अभी ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। जितने लोग चर्चा करते हैं ये प्रतापगढ़ के रहने वाले, मैं आपको जानकारी दूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस कास्ट से, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, ये वो उस जाति के नहीं है। पहले तो ये जानकारी, और वीके न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जाति से राजपूत हैं, इनको गोद लिया गया था। ये बहुत बड़ी जानकारी सर ने दी है कि जाति से राजपूत हैं, इनको गोद लिया गया। जिस जाति से ये बिलोंग करते हैं बताते हैं वो ये है नहीं जी। और ये खुली चुनौती है इनको, अगर ये हमसे बात करना चाहे तो मैं इस पर इनको जवाब भी दे सकता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये खुले मन से मैं अपना ओन कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात, ये जो बयान है ये मानसिक विक्षिप्तता की बहुत बड़ी स्थिति है स्वामी प्रसाद मौर्य की। और दूसरी बात, जाति का ये जहर घोलने की कोशिश की क्यों जा रही है? क्योंकि जो अखिलेश यादव को जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक जो गवर्नेंस की स्थिति योगी आदित्यनाथ सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें जाति का कोई फंडा फिट हो नहीं पा रहा है। MOI कॉन्सेप्ट पर अखिलेश फिलहाल अपने को फिट पा रहे हैं। अभी तो इन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द का उपयोग किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले 3 सितंबर को एक बैठक लखीमपुर में होने वाली है, जिसमें राजपूतों को साधने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे, और उसके बाद दूसरी बैठक जो है वो यहाँ पर होगी, ललितपुर के पास होगी, और तीसरी बैठक प्रतापगढ़ में होने वाली है। राजा भैया के साथ मुलायम सिंह यादव के एक संबंध थे। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जाति का एक फैक्टर है, किस तरह से जातियों को साधा जाता है, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं शेखर, समझ सकते होंगे। ब्राह्मणवाद पर चोट करना, ये मायावती की राह पर चल रहे हैं। जो मायावती रिपेंट करती हैं कि इन्होंने जो बयान दिया था वो गलत दिया था। अब तिलक तराजू और तलवार की बात नहीं, इनको जूते मारो चार, इनकी बात अब नहीं होती है, मायावती नहीं करती। क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि जो राजपूत और ब्राह्मण इनके साथ हुआ करते थे और जिसके कारण ये CM बने, और वो समय था मुख्यमंत्री के रूप में जब था, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव का वो समय अब नहीं रहा। अखिलेश यादव की ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने एक भोपू को इस तरह से बोलने के लिए वो खुला छोड़ दें? ये पूरी रणनीति है, इसलिए आप कह सकते हैं उनकी सहमति है। लेकिन इससे जो नुकसान होने वाला है वो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इनसे न ब्राह्मण सधरा है न राजपूत सधरा है। दो
अगड़ी जातियों को, ऊंची जातियों को जब तक ये नहीं साथ पाएंगे तब तक वो MY कॉन्सेप्ट पर, मुस्लिम और यादव कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। तो जातिवाद के फंडामेंटल पर विकास की जो इतनी बड़ी चोट है उस पर अखिलेश अपने को फिट नहीं पा रहे हैं, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को यूज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी रणनीति से ये बयान दिया गया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस पर कोई बयान आएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की हकीकत क्या है और मानसिक स्तर उनका कहां पर है, किस लेवल पर वो है, इसका जो मूल है वो मैंने आपको बता दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वो राजनेता, वो पॉलिटिशियन जिनकी अपनी खुद की कोई जमीन बची नहीं है, वो समय समय पर एक ऐसे नेता है जो समय समय पर आते हैं, पत्थर मारकर फिर भाग जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद लौटते हैं, फिर चू चपड़ कर फिर निकल जाते हैं। इसी पर समझने की कोशिश सर करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर इस तरह के बयान, क्योंकि पहला मौका नहीं है, पहले रामचरितमानस, इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर पर भी तो समय समय पर वो हिंदुओं को टारगेट करते रहते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या रिवाइव करना चाहते हैं वो? देखिए, वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म में फिलहाल जो सनातन के सबसे बड़े पुरोधा एक संत के रूप में राम भद्राचार्य जी हैं, राम भद्राचार्य जी बराबर कहते हैं कि वो पागल हो गया है, जितना ही वो ये कहते हैं, क्योंकि राम भद्राचार्य पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, मीडिया भी उनके पीछे भागती है। राम भद्राचार्य जैसे संत या कुछ राजनीतिक लोग इस पर टिप्पणी करें, इससे एक बार फिर ये प्रासंगिक हो जाए, अपने आप को राजनीति के मेन स्ट्रीम में एक बड़े नेता के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश ये इस व्यक्ति की है जो विक्षिप्तता को राजनीतिक अंदाज में यूज़ करता है और फिर ये चुप हो जाता है। आज भी इनकी स्वीकार्यता दलितों में नहीं है और उसका कारण भी मैंने बताया है, पूर्वांचल के कुछ जिलों में जहाँ ये बहुत प्रभावी होने की कोशिश करते हैं वहाँ इनकी क्या स्थिति है वो भी मैंने आपको बताया, इसलिए इनकी कोई राजनीतिक मान्यता या स्वीकार्यता है नहीं, अपने आप के वजूद को इस्टेब्लिश करने के लिए ये बराबर हिंदू धर्म पर चोट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक तरह से BSP के नेताओं के द्वारा पहले की जाने वाली टिप्पणियों का हवाला देना चाहते हैं या उसी तरह की लाइन लेना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि ये BSP वाले एक दलित नेता के जिस तरह से मायावती इस्टेब्लिश हुई है वैसे सपा में हो जाए। अभी सपा के नेता भी उनको उस स्तर का नेता नहीं मानते हैं, तो ये अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी नौटंकी करते हैं समय समय पर, अदरवाइज इनकी कोई राजनीतिक पूछ भी नहीं है। और आने वाले समय में अखिलेश यादव इनको कितना महत्व देंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शेखर, मुझे नहीं लगता कि इनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, हाँ एक सीट से चुनाव लड़ लेंगे लेकिन टिकट दिलाने में या इनकी कोई एक लॉबी जो सपा में मान्य की जाए, मान्य हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। अखिलेश यादव भी इतनी कच्ची गोटियाँ नहीं खेलेंगे। तो कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अपना राजनीतिक करियर है वही हाशिए पर है, जिस उम्मीद के साथ BJP से लाए गए थे सपा में वो उम्मीदें कहीं ना कहीं फलीभूत होती नहीं दिखी और इसका एहसास स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हो गया है और शायद यही वजह है कि तमाम ऊल जुलूल बयान देकर वो अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता जो है उसे साबित करने पर तुले हुए हैं इस उम्मीद में कि कहीं सपा से भी लात ना पड़ जाए और इसीलिए वो इस तरह के शायद बयान देते हैं। आपकी क्या राय है, आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बात समय समय पर हिंदुओं को लेकर क्यों करते हैं? आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी समझ हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। VK न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।